मैं हूं प्रवीण और मैं आपको सुना रहा हूं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में शामिल हमारे भारतीय एथलीट्स की वो कहानियां जो बताती हैं कि बिना रुके जो चलते रहोगे ना तो या तो तुम्हें मंजिल मिलेगी या अपनी जिंदगी में अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। जंगल से लकड़ी का गट्ठर जो उसके भाई के लिए उठाना भी मुश्किल होता था वो बड़ी आसानी से उठाकर अपने घर ले आती थी। अपने राज्य की ओलंपियन कुंजू रानी देवी को देखकर उसने भी शुरुआत की थी एक सपना देखने की। सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत हुई तो लोहे की जगह बांस के बने इक्विपमेंट थे और ट्रेनिंग सेंटर घर से 30-40 किलोमीटर दूर। इस खिलाड़ी ने दूरियों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और खुद को हमेशा अपनी मिट्टी से जोड़े रखा। अपनी काबिलियत से जब विदेशों में खेलने गई तो हर बार अपने साथ में देश की मिट्टी और चावल रखती थी। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इस खिलाड़ी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे और वो वजन भी नहीं उठा पाई जो वो हर दिन उठाती थी, वो भी बिना किसी मुश्किल के। उसके नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिख दिया गया था। मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था, खेल छोड़ने का दिल भी बना लिया था, पर गेम से प्रेम ने इनके पैशन को जगाए रखा और 2021 में भारत के लिए पदक जीतने के बाद आंखों से निकलते आंसू उस बात के गवाह थे जो दर्द वो 2016 से झेल रही थी। नाम मीराबाई छानू, उम्र 24 साल और पैशन गेम से प्रेम।